वहाँ पे माता सरस्वती का प्रतिमा बनाया गया है और यहाँ पे काफी खूबसूरत। जब ये बन जाएगा फुल एंड फाइनल तो इसका लुक जो है काफी अमेजिंग और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। तो मैं पंडाल के अंदर आकर के इसका व्यू दिखाया, इंटीरियर कितना बनकर तैयार हो गया है वो भी मैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं फिर से एक नया पंडाल दिखाने के लिए आ गया हूँ पटना के डाक बंगला चौराहा पे। और इस जगह पे इंडिया का नहीं विदेश का फील आपको मिलने वाला है, क्योंकि विदेश का मंदिर को यहाँ पे इस पंडाल के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो कौन सा वो मंदिर यहाँ पे बनने वाला है पंडाल के माध्यम से, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और किस चीज से बन रहा है ये पंडाल उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सामने में डाक बंगला चौराहा है और उससे थोड़ा पश्चिम की साइड में बढ़ेंगे तो ये है वो पंडाल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके डिटेल की बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, इस पंडाल को मैंने आपको दिखा दिया और इस पंडाल की कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि आखिर ये जो पंडाल है किस चीज़ से बनाया जा रहा है। उसके लिए मैंने गूगल कर लिया है और यहाँ पे डाक बंगला चौराहा का जो इस पर का पंडाल है उसकी ऊँचाई जो है 90 फीट होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था सिपारा में, यानी जो एतवारपुर में जो पंडाल बन रहा है वो उसकी हाइट जो है 100 फीट की है, यानी गोलघर से 5 फीट ऊपर है। और वही इसकी अगर बात करते हैं तो ये गोलघर से 5 फीट नीचे यानी 90 फीट की इसकी लंबाई होने वाली है, हाइट होने वाली है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करते हैं इस पंडाल की तो 55 फीट का ये चौड़ाई जो है उसमें इस पंडाल का निर्माण जो है किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं गूगल में कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस पंडाल को पिछले 4 महीने से यहाँ पे बनाया जा रहा है और इसमें कुल 18 लोग इसमें काम कर रहे हैं। और इसका लक्ष्य है कि कलश स्थापना होने के बाद 3रे दिन इस पंडाल को जो है कंप्लीट कर लिया जाए, इसका खूबसूरती जो है यानी कपड़ा वपड़ा लगाने का काम जो है वो पूरा करने का टारगेट। और दोस्तों, इस पंडाल को इंडोनेशिया का जो फेमस मंदिर है प्रमनन उसी तर्ज पे बनाया जा रहा है, यानी उसी का रूप इसमें दिया जा रहा है। और इसे शीशा स्टोन यानी पत्थर और मोती सीप से इसको सजाने का काम जो है वो किया जाएगा। जैसे ही वो सब कंप्लीट हो जाएगा मैं एक दूसरा अपडेट दूंगा और उस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि बनने के बाद यानी इसको खूबसूरती देने के बाद ये पंडाल जो है कैसा दिखता है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो मैं पंडाल के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे अंदर का सीन आपको सबसे पहले इस वीडियो पे आप इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो अंदर में कुछ नकाशी कर दिया गया, उसे मैं दिखाने की आपको कोशिश कर। देखिए भाई साहब, इधर से मुझे कह रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो क्या भाई अंदर जाना किसी को अलाव नहीं है। और अभी पंडाल जो है बन ही रहा है यहाँ पे बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको ये जो कितना खूबसूरत अभी इसका मतलब दिखने लगा है, कितना खूबसूरत बन गया है। देखिए अंदर का इंटीरियर देखिए अभी से ही कितना खूबसूरत दिखने लगा है। देखिए मैं जब अंदर आया तो मैं देख के दंग रह गया। देखिए किस प्रकार जो है सीप से मोती से इसको सजाने का काम किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे जो है माता की प्रतिमा भी बना दी गई है, देख लीजिए आप। इस साइड में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मूर्ति का निर्माण चल ही रहा है तो दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको साइड का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस साइड का राइट साइड का व्यू है और ये ऊपर छत का यानी सीलिंग का व्यू है, देख लीजिए आप कितना खूबसूरत अमेजिंग देख लीजिए। और सामने देखिए वो, और इस साइड फिर मूर्ति है तो मैं नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत, और सामने का ये जो अभी मतलब जो एंट्री गेट होगा ये बंद किया गया है, चूंकि जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे इसे खोला जाएगा। लीजिए पंडाल बनाने का काम यहाँ पे भैया लोग कर रहे हैं। कहाँ से आकर काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? वेस्ट बंगाल से। क्या नाम हो आपका? बापी। अच्छा, देख लीजिए वेस्ट बंगाल से, चूंकि जितना भी पटना में पंडाल बन रहा है जो भी कारीगर वर्क कर रहे हैं वो वेस्ट बंगाल से कोई झारखंड से आकर के यहाँ पे जितना भी पंडाल बनाया जा रहा है उसका निर्माण करने की प्रक्रिया चल रही है। देख लीजिए किस प्रकार है, वहाँ पे माता सरस्वती का प्रतिमा बनाया गया और यहाँ पे काफी खूबसूरत। जब ये बन जाएगा फुल एंड फाइनल तो इसका लुक जो है काफी अमेजिंग और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस प्रकार जो है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसको ये देखिए इस तरह का फ्रेम बनाते हैं और फिर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इस पंडाल में उसको लगाया जाता है। देखिए उस प्रकार ये किस प्रकार लगा रहा है, इस तरह का फ्रेम यहाँ पे चिपकाया जाता है, जो भी मोती है उसे इस पे कार्डबोर्ड पे चिपकाया जाता है और उसके बाद वहाँ पे पंडाल में लगाया जाता है। दोस्तों मैं पंडाल के अंदर आकर के इसका व्यू दिखाया, इंटीरियर कितना बनकर तैयार हो गया है वो भी मैंने आपको पीछे में दिखलाया। अब जब ये बन जाएगा तो इसका लुक और खूबसूरती बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि पटना का सबसे फेमस लोकेशन डाक बंगला चौराहा है। और जैसे ही बनकर तैयार होगा इस चैनल पे आपको फिर से
तैयार हुआ जो वीडियो होगा, जो लुक होगा इस पंडाल का, उसको दिखाने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो मेरा आईडी है, वहाँ पे भी मैं रील्स डालता रहता हूँ, इसका भी रील्स आएगा। उसे देखने के लिए मेरा आईडी है टेक्निकल बिहार, उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए। और प्रेम से बोलिए एक बार, जय माता दी।